हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ टुडेज करंट अफेयर 23 अप्रैल। और आज की करंट अफेयर्स के वीडियो में हम आज जो भी रिसेंटली जो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे हमारे नए मेंबर्स ज्वाइन किए हुए चैनल को, तो वेलकम टू द चैनल। पहली बार अगर आए हो तो आपको तो पता ही है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। और हाँ, आपको ये जो PDF आपको दिख रही है मेरे इमेज के पीछे, वो आपको काम में मिलेगी, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये वाला टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। और उसके साथ साथ आपको ज्वाइन करने के साथ साथ आपको PDF मिल जाएगी, डेली PDF आपको वहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट अपडेट्स, जो भी जॉब्स, जो भी टिप्स होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सो ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर। अब शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो लाइक कर दो चैनल को फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना। और हाँ, स्ट्रीम को फटाफट से लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक करो। शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपको बता दूं, ऑफर के बहुत कम दिन बाकी है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी का कोर्स, बहुत कम टाइम है। और करंट अफेयर्स के हेडलाइंस में हम बात करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे निर्मला सीतारमन अटेंड्स द 5th एनुअल मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। निर्मला सीतारमन ने 5th एनुअल मीटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अटेंड की है, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने की है, मतलब गवर्नर्स के साथ। तो भाई ये 5th एनुअल मीटिंग है जिसके बारे में बताया हुआ है और निर्मला सीतारमन ने अटेंड की हुई है, ठीक है ना। और की पॉइंट्स यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि NDB ने अप्रूव किए हुए 14 प्रोजेक्ट्स इंडिया में, और उसके साथ साथ अमाउंट कितना है, 4183 USD ओके मिलियन। एंड नेक्स्ट NDB के बारे में बताया हुआ है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे KV कमलनाथ एंड हेडक्वार्टर्स शंघाई चेन्नई में है, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो CM पेमा कांडू इनॉग्रेटेड रिवैम्प्ड हंगपन दादा ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। CM जो है अरुणाचल प्रदेश के, CM का नाम क्या है, पेमा खांडू। उन्होंने यहाँ पे एक ब्रिज को इनोग्रेट किया हुआ है। ब्रिज का नाम क्या है, हंगपन दादा ब्रिज, ठीक है। और ये कहाँ पे है, रिवर सुबनसिरी एट दापोरिजो ओके, यहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। और रिकन्स्ट्रक्शन का रीज़न और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो कैपिटल है ईटानगर, स्टेट फ्लावर है राइनोकॉस्टिलिस रेट्यूसा ओके, राइकोस्टिलिस रेतुसा बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, बट स्टेट फ्लावर का नाम याद रखना। स्टेट एनिमल गायल है, गायल स्टेट एनिमल का नाम है। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्बिल एंड स्टेट ट्री डिप्टेरोकार्पू रेतुसुस ओके, बहुत डिफिकल्ट नाम है। स्टेट ट्री फ्लावर भाई याद रख लेना, ठीक है। हो सकता है कि आ जाए ये क्वेश्चन, और अभी ये करंट अफेयर्स में है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं IREDA टू हैंडल CPSU स्कीम फेज़ 2 MNRE। भाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया हुआ, ऑन बिहाफ ऑफ इट्स एमेंडेड क्लॉज हैज अपॉइंटेड द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ पे ये जो है इसको अपॉइंट किया है IREDA एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू हैंडल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भाई ये जो एजेंसी है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है ये हैंडल करने के लिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एजेंसी को हैंडल करने के लिए। और सारे इश्यूज़ और सारी चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है। और की पॉइंट्स यहाँ पे IREDA के बारे में बताए हुए हैं, और मेजर जो चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंट की गई है वो भी बताई है ओके। CPSU स्कीम फेज़ 2 ये क्या है, ये एम करता है 12,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV पावर प्रोजेक्ट अंडर द गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स विद द VGF सपोर्ट। भाई ये चीज़ इनका प्रोजेक्ट है ओके। बहुत सारे आ रहे हैं, गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो और सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, नहीं किया है तो। FCI अलाउड टू कन्वर्ट सरप्लस राइस टू इथेनॉल। गवर्नमेंट FCI यहाँ पे नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये जो है मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। चेयरमैनशिप किन की है, धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है और अलाउ किया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI को कन्वर्ट करने के लिए सरप्लस राइस को इथेनॉल में, ठीक है। सो एज टू यूटिलाइज इट मेकिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स। राइस को इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो सफिशेंट हैंड सैनिटाइजर्स बना सके, क्योंकि इसमें से अल्कोहल बनेगा फॉर द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। ये चीज़ करने वाला बहुत सारा राइस है, तो इसको अप्रूवल इसलिए मिल चुकी है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि एज ऑफ मार्च 10 हैज़ अ टोटल ऑफ 58.49 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स विच कंसिस्ट ऑफ 30.97 मिलियन टन ऑफ राइस। भाई 30 मिलियन टन राइस है, 27 मिलियन टन व्हीट है। अब स्टॉक का क्या करेंगे, तो भाई स्टॉक में यहाँ पे ये इसको इथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला है। ओके, तो एफसीआई के बारे में बात करते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बीबी प्रसाद जो कि आईएएस है, ठीक है। डीसीजीआई अप्रूव्स ट्रायल ऑफ अ ड्रग टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट इन क्रिटिकल इल कोविड-19 पेशेंट्स। यहाँ पे डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पे ड्रग का ट्रायल अप्रूव किया हुआ है। क्यों? मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए इन क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट्स। भाई मॉर्टेलिटी रेट मतलब जो ये डिसीज से जो रेट है जिन डेथ का, उसको यहाँ पे कम करने के लिए जो सीवियर जो अभी लास्ट स्टेज है जिनका, उनके ऊपर यहाँ पे ट्रायल करने वाले हैं। एंड ट्रायल इज़ लाइकली टू बिगिन एट मल्टीपल हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स पे ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या होता है। और हाँ, ये ड्रग जो है, ये जो ड्रग जो ट्रायल करने वाले, ये बनाया हुआ है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने ये ड्रग बनाया हुआ है एंड ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। आरबीआई इंक्रीजेस WMI लिमिट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू रुपीज 2 लाख करोड़ फ्रॉम 1.2 लाख करोड़ फॉर H1 FY21। यहाँ पे आरबीआई ने WMI लिमिट को बढ़ा दिया है। वे एंड मीन्स लिमिट कितना बढ़ाया हुआ है? 66% बढ़ा दिया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। कितना है? 2 लाख करोड़, जो कि कितना पहले कितना था? 1.2 लाख करोड़, ठीक है। फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट हाफ, मतलब अभी जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने में जितना भी टाइम बाकी है तब तक के लिए ये चीज़ की जा रही है। और भी सारे यहाँ पे चीज़ें ली जा रही है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं आरबीआई की ओर से, तो ये यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं। सो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको ऊपर ऊपर से जितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पे आरबीआई के बारे में तो उसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935, गवर्नर शक्ति नंदा दास, डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे 4 है। 4 में से 3 का नाम लिखा हुआ है, बिबू प्रसाद, महेश कुमार, माइकल देबा राता, ठीक है। एंड 1 को अपॉइंट करना भी बाकी है। आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ गोवाज ओल्डेस्ट बैंक मपुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने गोवा की सबसे पुरानी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया हुआ है, जिसका नाम है मपुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसके रिलेटेड भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो है किसके अंडर में ये चीज़ की गई है, तो भाई इसके साथ साथ इन्होंने देखो, मपुसा बैंक वॉज फर्स्ट प्लेस अंडर डायरेक्शन थ्रू एन आरबीआई डायरेक्टिव डेटेड जुलाई 24, 2015। आफ्टर इट्स कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशो डिक्लाइन ड्रास्टिकली। यहाँ पे कैपिटल टू रिस्क एसेट्स जो है, जो रेशो है वो उनका मेंटेन नहीं हुआ और बहुत ही ज़्यादा कम हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको लाइसेंस कैंसिल करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मपुसा के बारे में दिया है, तो हेडक्वार्टर्स मपुसा गोवा में है। मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सावंत। आरबीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और गवर्नर जो है शक्ति नंदा दास, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आरबीआई इंस्ट्रक्टेड इट्स रेगुलेटेड एंटिटीज टू कैरी आउट मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क असेसमेंट पीरियडिकली। यहाँ पे आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है रेगुलेटेड एंटिटीज को मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज पीरियडिकली। एंड इन दिस रिगार्ड द सेंट्रल बैंक हैज एडेड अ न्यू सेक्शन इन द मास्टर डायरेक्शंस ऑन केवाईसी, नो योर कस्टमर, विच हैज कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। एक और सेक्शन यहाँ पे KYC में डाला गया है। लेट्स सी अब ये क्या है, किसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो है, ये RE जो है रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, ये क्या करती है, सेक्टर स्पेसिफिक वर्नरेबिलिटीज़, मतलब कि जो भी खामियां या कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको देखती है, ठीक है। और उनको इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू इश्यू वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड। भाई पेटीएम का आपने पेटीएम पेमेंट बैंक तो यूज़ किया ही होगा या कर रहे होंगे, तो उन्होंने अभी मास्टर कार्ड के साथ उनका जो है पार्टनरशिप कर ली है। इसके साथ साथ अब ये फिजिकल डेबिट कार्ड भी बनाएंगे और वर्चुअल डेबिट कार्ड भी बनाएंगे जो कि मास्टर कार्ड के होंगे। कई बार क्या होता है, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो पेटीएम का जो डेबिट कार्ड है वो कई जगह एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो ये मास्टर कार्ड के साथ ये करने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज़ इन्होंने मतलब अप्रैल के अंदर पेटीएम ने फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स के साथ भी यहाँ पे कोलाब्रेशन किया हुआ है बर्गर्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किनको फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो काम कर रहे हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए, और इनका प्रोग्राम था इंडिया फाइट्स कोरोना, ठीक है। सो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड तो उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश कुमार गुप्ता है। मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है और प्रेसिडेंट एंड CEO अजय बंगा है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, एन कमाकोडी रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक RBI। RBI की ओर से यहाँ पे है बाय N कमाकोडी, उनको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया गया है सिटी यूनियन बैंक, का जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है फॉर 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम May 1 से इनको यहाँ पे 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। बाकी यहाँ पे बताया हुआ है कि सिटी यूनियन बैंक के बारे में, तो उसको यहाँ पे पहले क्या कहा था, द कम्बकोनम बैंक लिमिटेड, एंड उसको यहाँ पे लिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट किया गया है 1904 में। हेडक्वार्टर्स उसके कम्बकोनम तमिलनाडु में है, ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे उसका नाम पहले रखा गया था। टैगलाइन जो है ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस सिंस 1904। HSBC अपॉइंट्स नोएल क्वीन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, उन्होंने यहाँ पे नोएल क्वीन को अपॉइंट किया गया है एज अ CEO, और उन्होंने यहाँ पे इंटर्म CEO की तरह काम किया हुआ है। और वो अभी किसको उनके प्रेडिसेसर कौन है, मतलब उनके पहले CEO कौन थे, जॉन फ्लिंट पहले थे, अभी उनको यहाँ पे उनके बाद अभी नोएल क्वीन को अपॉइंट किया गया है। HSBC के बारे में तो हेडक्वार्टर्स लंदन में है भाई, हांगकांग एंड शंघाई बैंक और लंदन में हेडक्वार्टर्स। चेयरमैन है मार्क एडवर्ड टकर, ठीक है। वॉल्वो एंड डेमलर ट्रक सेटअप जॉइंट वेंचर टू डेवलप फ्यूल सेल्स फॉर हैवी व्हीकल्स। वॉल्वो एंड डेमलर ट्रक, उन्होंने यहाँ पे जॉइंट वेंचर सेटअप किया है फ्यूल सेल्स जो कि हैवी व्हीकल्स के लिए, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई फाइनल एग्रीमेंट और सारी चीज़ें होने वाली है Q3 में। वॉल्वो ग्रुप के हेडक्वार्टर्स है गोदनबर्ग, स्वीडन। प्रेसिडेंट एंड CEO मार्टिन लुंडसिट एंड लुंडस्टेड, ओके। एंड डेमलर ट्रक AG के बारे में है तो हेडक्वार्टर्स जो है स्टटगर्ट, जर्मनी, और चेयरमैन मार्टिन डोम, ठीक है, ओके। स्विस साइंटिस्ट डिस्कवर्स 6 प्लानट सिस्टम विथ नियर 3:2 रिजोनेंस। यहाँ पे स्विस साइंटिस्ट जो है जिन एक टीम है जिनको हेड कर रहे हैं नथन सी हरा, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे 6 प्लानट सिस्टम को यहाँ पे डिस्कवर किया हुआ है। और वो कहाँ पे है, ऑर्बिटिंग द स्टार HD 158259, जो कि ऑर्बिट कर रहे स्टार HD 158259 इन अ ड्रैको कॉन्स्टलेशन। द डिस्कवरी वॉज डन बाय द सोफी स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्टॉल्ड एट द हॉट प्रोविंस ऑब्जर्वेटरी। भाई ये यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से इसको डिटेक्ट किया गया है, कहाँ पे, साउथ फ्रांस में, ठीक है। एंड यहाँ पे की पॉइंट्स के बारे में तो भाई HD * HD 158259 है, भाई स्टार का नाम ऐसा रखा हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स है। और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के हेडक्वार्टर्स तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। मोटो लाइट आफ्टर डार्कनेस इन्होंने रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑन कोरोना वायरस, कोविड इंडिया सेवा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कोविड इंडिया सेवा, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ ट्विटर हैंडल फॉर सिटीजन एंगेजमेंट ऑन कोरोना वायरस, एम फॉर दिस इनिशिएटिव इज टू एनेबल रियल टाइम e-गवर्नेंस डिलीवरी एंड आंसर सिटीजन क्वेरीज। सिटीजन की क्वेरीज को आंसर किया जाएगा और इसकी वजह से ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब एक समझ लो तो एक चैनल या अकाउंट बनाया हुआ है ट्विटर पे। चैनल जो है @COVID India Seva, आप ट्विटर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और ये सिटीजन्स को बेनिफिट करने वाला है। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे है, ठीक है। नेक्स्ट, CSIR NAL डेवलप्स पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरल सूट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। भाई यहाँ पे CSIR NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, उन्होंने यहाँ पे एक सूट बनाया हुआ है पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरल सूट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। भाई ये फोटो में आप देख सकते हो, ये जो सूट बनाया हुआ है ये डॉक्टर्स को या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हेल्प करेगा, और ये 5000 यूनिट्स को एस्टिमेट कर रहा है, मतलब 5000 यूनिट्स यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ प्रोडक्शन में बनाएंगे, और ये प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाएगा 10,000 से 20,000 तक इन सेकेंड एंड थर्ड वीक। CSIR प्लान कर रही है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,000 यूनिट्स पर डे की होगी फोर्थ वीक में। ओके, द कवरल्स क्वालिफाइड फॉर यूज आफ्टर गोइंग थ्रू द स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग एट साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन कोयम्बटूर। यहाँ पे साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन सित्रा कोयम्बटूर में यहाँ पे इनकी पूरी अच्छे से टेस्टिंग हुई है और बाद में इसको यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। प्राइस होगी 500 से 600 रुपये पर पीस, जो कि बहुत कम है, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है 2000 से 3000 का, वो अभी 500 से 600 में मिल जाएगा। CSIR के डायरेक्टर जितेंद्र जाधव, हेडक्वार्टर्स बेंगलोर, फाउंडेड 1 जून, और ऑपरेटिंग एजेंसी जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, फिश गिल्स यूज टू डेवलप एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली, उन्होंने यहाँ पे उनका जो कि वो एक डिपार्टमेंट है, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट फ्रॉम फिश गिल्स दैट हेल्प्स टू डेवलप एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। फिश के गिल्स में से इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाया हुआ है कम प्राइस वाला, जो कि एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करेगा। ओके, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस जो होते हैं उसमें ये चीज़ हेल्प करने वाली है। इट इज़ बेटर देन कमर्शियल प्लेटिनियम ऑन कार्बन कैटलिस्ट। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा रहेगा जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, और ये रिसर्च के बारे में पूरी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। ओके, एंड INST के बारे में तो हेडक्वार्टर्स मोहाली पंजाब में है, डायरेक्टर अमितावा पात्रा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर फिजी प्राइम मिनिस्टर लेसिनिया क्रॉस पास्ट अवे एट 79। फिजी के प्राइम मिनिस्टर जो है लेसिनिया क्रॉस उनका नाम है, ठीक है, उनका यहाँ पे डेथ 79 की एज पे हुआ है। ही हेल्स फ्रॉम मवाना वनुआलाऊ, ओके, वनुआलाऊ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और ये इनकी पार्टी का नाम है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। सोको दुआवाता नी लेवेनिवाना पार्टी, लेवेनिवानुआ पार्टी, ओके, बहुत ही ज़्यादा नॉन फेमिलियर नेम है, बट याद रखना पड़ेगा, अगर हो सके तो आ भी सकता है। सो फिजी के बारे में तो कैपिटल सुआ है, प्रेसिडेंट जियोजी कुनोसी कॉनरोते एंड प्राइम मिनिस्टर जोसाई वोरेक बेनीमरामा। ओके, सो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के नाम ऐसे है, याद रखना, एंड कैपिटल सुआ है। ओके, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2020 अप्रैल 21 को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 21 को, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, आज कौन सा डे है? आज 23 अप्रैल है, और आज के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ। कल ही बताया था, कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो कल के सेशन में प्रेजेंट थे उनको पता होगा कि आज क्या है। ओके, आज बुक डे है, वर्ल्ड बुक डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 21, सिविल सर्विस डे अप्रैल 21, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे 2020 अप्रैल 21 को अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना फॉर बेनिफिट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स। यहाँ पे मध्य प्रदेश के CM उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स को हेल्प करने के लिए। और हाँ, स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 50 लाख का, एंड ये जो है ये किसके अंदर बेनिफिट कर रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ओके, मध्य प्रदेश के बारे में तो कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर लालजी टंडन, फिर स्टेट बर्ड दूधराज एंड स्टेट एनिमल बारासिंगा। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान गवर्नमेंट पार्टनर्स विद आयू टू टैकल कोविड-19। राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनर किया हुआ है। मेड रिकॉर्ड्स अ हेल्थ केयर स्टार्टअप है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी और डिलीवरी, मेडिसिन की डिलीवरी, ये सारी चीज़ें देखती है। और ये जो है क्या करने वाले हैं, ये 68 मिलियन पीपल्स जो है राजस्थान के थ्रू उनका यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। आयू एंड सेहत साथी .app, ठीक है। ओके, तो आयू एंड सेहत साथी ऐप ये इनका है ऑलरेडी, और मेथ कोड्स इनके साथ मिलके ये काम करने वाले हैं, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको अडॉप्ट किया गया है अभी अभी के लिए, कोटा, उदयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली, जयपुर, ठीक है। The consultation and delivery of medicine more than 10,000 patients at free of cost by startup through the network of सेहत साथी। सेहत साथी एंड आयु के नेटवर्क की हेल्प से वो 10,000 पेशेंट्स को फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करने वाले हैं। और सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर ये है अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम आयु है। अब मेड कॉर्ड्स के बारे में तो फाउंडेड 2017, फाउंडर्स जो है श्रेयांश मेहता, निखिल बहेती एंड सईदा धनावत। और इन्वेस्टर्स जो है उनके भी नाम लिखे हुए हैं, वाटर ब्रिज वेंचर्स, फिर ECII, स्टार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट यूज एसएस कोरोना ऐप एक बनाया हुआ है जो कि डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जहाँ पे जो भी मतलब रेड जोन्स हम कह सकते हैं उनको यहाँ पे किया जाएगा डोर टू डोर सर्वे। तो दिल्ली चीफ सेक्रेटरी विजय देव यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एसएस कोरोना ऐप का यूज़ करें, ठीक है, डोर टू डोर सर्वे के लिए। ओके, और उससे रियल टाइम डेटा के बारे में पता चलेगा। अच्छा, यूज़ ऑफ ऐप और उसके बारे में सारी चीज़ें देखी जाएगी। दिस ऐप हेल्प्स इन मेकिंग क्विक डिसीजन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बुलेंस एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट एंड पर्सनल इन द एरिया। भाई मेडिकल इक्विपमेंट्स और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये किया गया है। दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। आज का सेशन काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया, मुझे वो डेज वाले बीच में थे, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। 23 अप्रैल का सेशन काफ़ी अच्छा रहा, अच्छे से 25 मिनट्स के अंडर में हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर और समझ में आया है। तो फटाफट से ये पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ मिलेगी। बाकी पीडीएफ मैं कहीं और शेयर नहीं करता हूँ, सिर्फ टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। और हाँ, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद ये ऑफ़र नहीं आएगी, तो भाई जल्दी से एनरोल कर लो। 1099 में अभी ये ऑफ़र बहुत बढ़िया है, तो जल्दी से फटाफट से एनरोल कर लो। ये इमेज पे यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मनपसंद कोर्स में एनरोल कर सकते हो। देख लो यहाँ पे जी ड्राइव चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, कौन सा आपको चाहिए, सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, क्लियर है। मिलते हैं शाम को 5 बजे के सेशन में, सारे क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।